हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वापस स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड मैं जानता हूँ मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी भी था। एंड आज सैटरडे, आज थोड़ा दोपहर में आया हूँ तो जिम भी खाली है, तो सोचा है व्लॉग कर लूँ। तो आज है पुश डे, स्टार्ट करेंगे विद बेंच प्रेस एंड देन वेटेड डिप्स। चलिए आपको वार्म दिखाता हूँ एंड प्री वर्कआउट भी पी लेता हूँ। अभी प्री वर्कआउट बहुत दिनों के बाद ड्राई स्कूपिंग गैटोरेट के साथ। और फिलहाल मैं हमेशा पुश वर्कआउट से पहले थोड़ा सा हैंडस्टैंड करता हूँ ताकि मेरा हैंडस्टैंड भी फॉर्म ना जाए जो मैंने इतना साल से मेहनत करके सीखा है। तो हैंडस्टैंड भी मेरा मेंटेन रहे, साथ साथ थोड़ा शोल्डर पे वार्म भी हो जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है शोल्डर में, तो वो मुझे पुश में भी हेल्प करता है। तो थोड़ा सा हैंडस्टैंड आपको दिखा देता हूँ। क्या कह रहा भाई, वहां खड़े इंतजार कर रहे, आए नहीं रहा ऐसे। बस बस हो गया भाई, हो गया वार्म करना है। आदेश 100 के दो, लेट्स गो। 6 महीना इंजरी की वजह से बैठ गए थे, बेल्ट काटा अभी नया नया, तब भी इसका स्ट्रेंथ गया नहीं। मेरा पुश और इसका पुश सेम है, तो देखते आज किसका कितना ज्यादा ज्यादा जाएगा। चैलेंज इधर भी गाइस। अरे चला यार, वाइब नहीं आ रहा ब्रो, वाइब नहीं आ रहा इसे। देख के ये मत सोचना कि मूवमेंट को स्पीड क्या है, यही स्पीड मूवमेंट को स्पीड नहीं है, यही स्पीड में करता हूँ। क्योंकि अगर आप एक्सप्लोसिव करोगे अपना वार्म अप्स को तभी आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तभी मेन सेट भी आपका अच्छा मूव होगा। अपने वार्म अप्स पे एक्सप्लोसिवनेस एकदम तगड़ा रखना। तो अभी आप देखो, मैं आपको सारा वार्म दिखाता हूँ कितना एक्सप्लोसिवली आप मैं पुश करूँगा हर एक में, आप ध्यान से देखना। अच्छा सर, थोड़ा टिप्स दे दो सर, इतना बॉडी कैसे बन गई? खाओ पनीर, खाओ Be vegetarians, keep patience and fuck the non-vegetarians. भाई ये बंदे का प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा था तो इसने गाय खरीद लिया, तो अब ये दिन में दूध पनीर यही चलता है इसका। पहले नॉनवेज खाता था बट इसका प्रोटीन इंटेक तभी पूरा नहीं हो रहा था, गाय खरीद लिया भाई ने। घर में प्रोटीन खरीदने को पैसे नहीं मिले और अलाउंस भी नहीं मिला इसलिए गाय खरीद लिया। मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सॉल्यूशंस। लास्ट वार्मअप है 90 kg का सिंगल एंड आप सुन पा रहे हो कि जिम में कौन सा म्यूजिक बज रहा है। मुझे समझ नहीं आता क्यों ये म्यूजिक बजता है, अभी मैं टॉप सेट माने जा रहा हूँ, हेडफोन कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि रिकॉर्ड भी करना है। तो चलो करते हैं।
काफ़ी अच्छा है, आपने जैसे देखा ही होगा। तो इसी तरह वीडियो को देखते रहे एंड थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा तब मैं और वीडियोस बनाऊंगा, थोड़ा रेगुलर और होगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना एंड अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।